दोस्तों, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए नई टीचर्स रिक्रूटमेंट आई है। सैलरी टीजीटी को 1500 रुपये पर डे और पीजीटी को 1600 रुपये पर डे यहाँ मिल जाएगी। लगभग सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आई हुई हैं। अपर एज लिमिट का भी ज़्यादा कोई यहाँ इशू नहीं है, क्योंकि आपको सैलरी से अंदाजा हो गया होगा कॉन्ट्रेक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है, तो 60 साल अपर एज लिमिट इनके लिए निर्धारित की गई है। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, टीचर्स रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन कॉन्ट्रेक्टल बेसिस गवर्नमेंट टीचर्स रिक्रूटमेंट 2023 से जुड़ा हुआ। ये विस्तृत विज्ञापन है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राज्य के आश्रम पद्धति विद्यालय बबीना जालौन में शासनादेश संख्या 10 दिनांक 8 जून 2023 के द्वारा अतिथि प्रवक्ताओं, सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पदों पर आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी स्थायी उरई जालौन में 6/9/2023 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु फोन व व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के आश्रम पद्धति विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा विद्यालय की वेबसाइट jalaun.nic.in पर उपलब्ध होगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय बबीना जालौन में अभी तक एवं नियमित संविदा नियुक्ति तक जो भी पहले घटित हो, अतिथि प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के आधार पर कार्मिकों का चयन किया जाएगा। चयन किए जाने हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसके बाद पदों का विवरण है। प्रवक्ता अंग्रेजी मतलब पीजीटी इंग्लिश एक वैकेंसी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय सहित प्रास्नातक की उपाधि साथ ही बीएड होना अनिवार्य है। किसी भी शैक्षणिक संस्था से कक्षा 11 व 12 तक के शिक्षण में 5 वर्ष का अनुभव। इसी तरह से गणित की भी एक वैकेंसी है, राजनीतिक विज्ञान की एक, कंप्यूटर की एक, कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसी के साथ साथ बीएड और 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से बीटेक व शिक्षण में 5 वर्ष का अनुभव। इसके बाद सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड मतलब टीजीटी अंग्रेजी की एक, विज्ञान की 2 वैकेंसियां हैं। कंसर्न सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो और किसी शैक्षणिक संस्था में कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। अतिथि प्रवक्ता हेतु 320 रुपये प्रत्येक पीरियड, अतिथि सहायक अध्यापक हेतु 300 प्रत्येक पीरियड का भुगतान अनुमन्य होगा। अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को एक दिवस में अधिकतम 5 पीरियड ही दिए जा सकते हैं। अधिकतम मानदेय शासन आदेशानुसार होगा। तो देख लीजिए दोस्तों, 5 पीरियड अगर एक दिन में लगते हैं 300 के हिसाब से, तो 1500 रुपये पर डे आपकी इसमें सैलरी हो जाती है। तो ये सैलरी मैंने आपको बताई थी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन अवेलेबल है। और जहां तक एज लिमिट की बात है, संबंधित अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष, सेवानिवृत्त प्रवक्ता सहायक अध्यापकों हेतु 68 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। संबंधित अतिथि प्रवक्ता सहायक अध्यापक को आवश्यकता अनुसार निर्धारित समयावधि के लिए ही रखा जाएगा। ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, और इसी में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, कुछ अन्य टर्म्स एंड कंडीशंस भी दी गई हैं, ये भी आप आवेदन करने से पहले ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है जालौन जनपद की। ये देखिए jalaun.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस है, नोटिस में न्यूज़ है, न्यूज़ के सेक्शन पे आपको देखिए डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस जालौन एट ओरई, यहाँ क्लिक करके डिटेल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/9/2023 है। ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन में ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुँचाती है वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।